नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हो, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है, वो क्या चाहते हैं आपसे और उनको उनका एक्शन क्या होगा। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिए। ये रीडिंग होगी 17 से लेकर 23 दिसंबर तक की, 17 से लेकर 23 दिसंबर तक की जो बात है इसमें, इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टेन ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत दुख में है, पेन में है, उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको डिच किया है, आपने उनकी पीठ पीछे छोरा भोंका है, इतना परेशान इतना दुख आपने उनको दिया है कि शायद ही ज़िंदगी में कभी ये उठकर खड़ा हो पाए, इनके लाइफ में दोबारा से कभी खुशी आए, ये सोच रहा है बंदा जिनके साथ आप रिश्ते में हो। एरीज यानी मेष राशि ये बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत दुखी है, किसी भी तरीके से खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। देख लेते हैं टेन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि फोर देख रहे हैं कि टेन ऑफ सोर्ड्स इतनी दुखी क्यों है बंदा। फोर ऑफ पेंटिकल्स सारे नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, टू ऑफ सोर्ड्स मेष राशि एरीज, ओहो ये क्या हो गया, लेटे लेटे भी बंदा पैसे के बारे में सोच रहा है। देखो ये दिखा रहा था कि ये बहुत दुखी है, परेशान है, इतना घायल है, इतना परेशान, लेकिन लेटे लेटे भी ये पैसे के बारे में भी सोच रहा है। ऐसा नहीं कि आपने इनको इतना दुख दिया, इतना परेशान किया, ये उठ नहीं पाएगा, ऐसा ये सोच रहा है, लेकिन साथ ही साथ पैसे कमाने के बारे में बंदा सोच रहा है। लेटे लेटे भी कुछ लोग पैसे के बारे में बखूबी सोच लेते हैं। तो ये बंदा या बंदी जो भी है ये पैसे बचाने के लिए काम कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन बंदा कंफ्यूज भी है साथ ही साथ कि मैं मेहनत करूं तो किसके लिए करूं, क्यों करूं, मेहनत करके ये पैसा मैं उनको दूंगी या दूंगा, इस तरीके की कंफ्यूजन है इनके दिमाग में करंटली। ये कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन आपकी किसी बात से ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, साथ ही साथ इस परेशानी से खुद को बाहर निकालने के लिए ये जो पर्सन है ना, ये खुद को पैसे कमाने में बिजी करके रखा है, मेहनत करने में बंदा बिजी है, ये मेहनत कर रहा है, जीत और मेहनत कर रहा है और आपकी किसी बात को अपने दिल पे लगा के बैठा हुआ है, क्योंकि इनको कंट्रोल इशू है बहुत ज़्यादा, ये हर चीज़ अपनी तरीके से करना चाहते हैं। जब ये नहीं होता है उनके लिए यही दुख होता है और कभी कभी उनको लगता है कि आपने उनके साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपने उनको धोखा देना चाहिए। तो ये सारा जो अपना जो पेन है उसे गेन में बदल रहा है, किस तरीके से ये मेहनत कर रहा है, दिन रात बंदा मेहनत कर रहा है, पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है जिनके साथ आपके नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है बंदा। आप उनको जो आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा जो भी है उसका जो पेन है उसको वो गेन में बदल रहा है, किस क्या करके, मेहनत करके, पैसा कमा के, पैसा इकट्ठा करके। करंटली ऐसा उनका सोच है कि भाई मुझे कमाना है।
अभी देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। देखो क्या चाहते हैं, फाइव ऑफ सोर्ड्स, बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, मुझे लगा ही था क्योंकि ये फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तभी मुझे लगा कि ये पर्सन जो भी हैं ये बातों को अपने दिल से लगा के रखने वाला, पकड़ने वाला, हर बात में नुक्स निकालने वाले जो जैसे होते हैं वैसे कोई पर्सन होगा। देख लेते हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स, इनका ईगो बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा जस्टिस, ये आप से कह रहा है कि आप अपना ईगो छोड़ दो, आप आगे आ जाओ, रिश्ते के लिए आप कदम बढ़ाओ। और एस ऑफ कप्स, ये कह रहा है कि ये जो आपने ईगो लेके बैठे हुए हो, या फिर वो किसी का तो एनर्जी है जो ईगोइस्टिक है, तो वो सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आपको, ये मैं बोलना चाहते हैं कि आप उनके सोलमेट हो, ये आप समझ जाओ कि आप उनके सोलमेट हो। और आप उनसे रिश्ते में दूर रह के उनको धोखा दे के जो भी आपने परेशानी उनको दिया है उसको ये जस्टिस में बदलवाने के लिए कह रहे हैं आपसे कि आप उनके साथ जस्टिस करो। किस तरीके से जस्टिस करना है आपको, एक्शन लेके उनके लाइफ में दोबारा से आके, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, उनको लगता है कि आप उनके जो उनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, लेकिन आप हो कि ईगो में बैठे हुए हो, ना आप खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो ना उनके साथ। तो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रिश्ते में आओ और जस्टिस करो, और जो सोल कनेक्शन ये महसूस करते हैं आपके साथ, उस कनेक्शन को आप भी फील करो और आप उनको ये दिखाओ, ये समझाओ कि आप भी उनसे प्यार करते हो। हालांकि अभी के लिए उनको लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ साउंड आ रहे हैं, हमारे बगल के फ्लैट में पूजा हो रही है ठाकुर जी की, तो माइंड मत कीजिएगा, पूजा ही हो रहा है। अभी हम देखेंगे ये बंदा या बंदी जो भी हैं इनके तरफ से एक्शन क्या रह सकता है। ये आपसे एक्शन लेने के बारे में बोल रहा है कि आप खुद के साथ भी जस्टिस करो और उनके साथ भी। उनके साथ किस तरीके से आप जस्टिस कर सकते हो, और दोबारा से रिश्ते में आके जस्टिस कर सकते हो, अपना ईगो छोड़ सकते हो, एक्शन ले सकते हो। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई लिब्रा हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो हो सकता है, एरीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे उनकी तरफ से एक्शन क्या रहेगा। देखो ये एस ऑफ पेंटिकल्स, बंदा पूरी तरीके से मेहनत करके पैसे कमा के आपके पास आ रहा है। मुझे लगता है पैसों की वजह से आप लोगों में नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन आया था, तो ये पर्सन पैसे कमा के आपके पास आ रहा है, आना चाहते हैं। पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ उनको मिलने वाला है। ये पैसे से रिलेटेड कोई नया काम, नया धंधा, जॉब कुछ शुरू किया होगा बंदे ने, क्योंकि पहले ही एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे। ये मेहनत कर रहा है और ये पैसा जमा भी कर रहा है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन जितना भी हो सके ये पैसा जमाने की कोशिश कर रहा है, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो। और ये जो बंदा जो आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ये उनका आना अगर थोड़ा स्लो हो गया तो आप उसको ना देखें, उनकी जो सोच है, जो भावनाएं हैं उनको देखें। आपने उनको आहत किया है, आपने उनको दुख पहुंचाए हैं, इसके कारण से उन्होंने मेहनत करने में, पैसे कमाने में अपना एनर्जी जो है उसको इन्वेस्ट किया है, अपने वक्त को इन्वेस्ट किया है, वो पैसे कमा के आपके पास आना चाहते हैं। देखो सेवन ऑफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा आ रहा है आपके पास क्योंकि आप के साथ रिश्ते में होना उनके लिए खुशनसीबी है। आप जो रिश्ते से चले गए हो, मूव ऑन किए हो, तो उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा लॉसेस है, फिनेंशियल लॉसेस है। ये बंदा पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। जब भी उनको ये गुड न्यूज़ मिल जाएगा तभी ये आपके तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि ये रीडिंग ख़त्म हुआ और ये चले आए, हो सकता है इनको थोड़ा वक्त लगे। कुछ लोग बोल देते हैं मैडम आपने कहा था इस हफ्ते रिकाउंसिलेशन होगा, ये वो नहीं हुआ। नहीं, ये एनर्जी है, ऐसा नहीं कि बोल दिया तो इस हफ्ते ही हो जाएगा। जब मैं कभी बहुत
6-8 महीने पहले मैं मुझे याद है लिब्रा के लिए मैं बोलती थी कि आपको पैसे मिलने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं। वो पैसे मिले उनको, ऐसा नहीं कि कार्ड आता रहता है, पैसे जब आना होता है ना कार्ड ऐसे आते जाते हैं, ये तो हम नहीं करते हैं, वो यूनिवर्स का मैसेज होता है तो कार्ड आ जाता है। ऐसा नहीं कि ये होगा नहीं, किसी किसी के लिए जल्दी हो जाता है, किसी किसी के लिए वक्त लगता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे कर्म किए हैं। ये जो जस्टिस होता है ना, कभी कभी अपने लिए भी मांगना पड़ता है और कभी कभी दूसरों के लिए, दूसरों के साथ भी जस्टिस करना पड़ता है। अभी अगर आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कोई कोशिश नहीं किया और आपने कहा मेरे भाग में तो ये था, आपने तो ये बताया, कोई कुछ हुआ नहीं, ऐसा होता नहीं है, आपको भी कोशिश करना पड़ता है। तो ये बंदा तभी आएगा जब उनको लगेगा, देखो ये इंतज़ार कर रहा है डिसीजन लेने के लिए, ये पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है, ये खुश हो रहा है बंदा कि वो जो चाहता था पैसे कमाना, पैसे इकट्ठा करना, वो हो रहा है। जब उनको लगेगा हाँ ये पूरी तरीके से हो चुका है, तभी ये एक्शन लेगा, तभी ये आपके पास आएगा। तब तक के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स ही आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एरीज यानी मेष राशि, आपको क्या करना चाहिए। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, यूनिवर्स ही आपके लिए क्या कह रहे हैं। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है। देखो टेन ऑफ कप्स, देखो क्या मैं, देखो यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको भी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको भी अपने लिए सोचना पड़ेगा, खुद को स्टेबल बनाना पड़ेगा, आपको भी किसी के साथ मिलके फिनेंस रिलेटेड कोई काम करना पड़ेगा जिससे आपको भी पैसा मिले। देखो जब आप एक रिश्ते में आते हो, जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि कोई एक ही उठाएगा, आपको भी उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ता है, तो आप भी खुद को स्टेबल बनाओ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, आपको अपने तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपने रहन सहन, खाना पीना, काम काज, स्टेबिलिटी, अपनी पोस्ट, अपनी पोजिशन पर ध्यान दो, मेहनत करो, किसी और के साथ मिलके कुछ पैसे कमाने की योजनाएं बनाओ, उसको एक्टिवेट करो, फिर जाके आपको टेन ऑफ कप्स की जो खुशियां हैं वो मिलेगी आपको, घर परिवार रिश्ते बच्चे सब कुछ मिलेगा, आपका इमोशन पूरा होगा। लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमेशा अगर आप सोचोगे मेरे साथ ऐसा होना था, आपने बताया था, खुद को भी कुछ करना पड़ता है। वो एक बंदा है, वो हमेशा कमा के लाएगा, तुम बैठ के उसको उसकी तरफ देखोगे कि इन्होंने ये करना था वो नहीं किया, मुझे ये देना था वो नहीं दिया, इससे नहीं होगा। आपको भी अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, हाथ बटानी पड़ेगी, तब जाके रिश्ता सही होगा। वरना अगर आपको लगता है कि अभी के लिए मूव ऑन करना चाहिए एरीज, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जब तक ये सब कुछ नहीं हो रहा है तब तक मैं नहीं आऊँगा, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो उनकी तरह रिश्ते में दोबारा से आना, रिश्ते को एक साथ मिलके रिश्ते निभाना, तो आपको भी थोड़ा अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा सबसे पहले, और मेहनत भी करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।